नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं माई भारत। संगम नगरी प्रयागराज में पवन पुत्र हनुमान की एक विशाल काय मूर्ति तैयार की गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई तकरीबन 35 फीट और वजन 1200 किलो है। इस मूर्ति में पवन पुत्र हनुमान उड़ते नजर आएंगे। आइए देखते हैं अपने इस रिपोर्ट में। संगम नगरी प्रयागराज में पवन पुत्र हनुमान की एक ऐसी विशालकाय मूर्ति तैयार की गई है जिसमें वह हवा में उड़ते नजर आएंगे। मूर्ति की लंबाई तकरीबन 35 फीट है। दावा किया जा रहा है कि हवा में उड़ते हुए स्वरूप में बजरंग बली की यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस अनूठी मूर्ति को प्रयागराज के रामबाग इलाके के हनुमान मंदिर की छत पर लगाया जाएगा। श्रद्धालु सामने के ओवर ब्रिज या फिर मंदिर की छत पर जाकर इस अनूठी मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे और उसकी पूजा अर्चना कर पवन पुत्र से आरोग्यता का आशीर्वाद ले सकेंगे। 35 फीट लंबी इस मूर्ति को प्रयागराज के झूसी इलाके में इलाहाबाद म्यूजियम से जुड़े देश के नामी मूर्तिकार डॉक्टर नगीना राम सुभाष कुमार और उनकी टीम ने तैयार किया है। मूर्ति को तैयार करने में तकरीबन 4 महीने का वक्त लगा है। करीब दर्जन भर कारीगरों व मजदूरों ने 6 महीने तक दिन रात कड़ी मेहनत करके इसे तैयार किया है। सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि ऐसी मूर्ति अभी तक कहीं बनी नहीं है और ये रामबाग जो दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है वहाँ के ट्रस्टी लोग ये बनवा रहे हैं और ये 4 महीना समथिंग इसमें टाइम लगा है इसको कम्प्लीट करने में। अभी ये कोरोना काल चलने की वजह से जो कि अभी लग नहीं पाई है, अभी ये देखते हैं अब 1-2 महीने का टाइम लेने वाले हैं, उसके बाद ये वहाँ पे स्थापित होगी। ये वजन करीब इसमें 1 टन से ऊपर है और यहाँ पे सुविधा ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, मार्केट से लाने पड़ते हैं, अपना जैसे कारखाना होता है वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा के रखे रहते हैं, इसलिए उतना दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर तो सब चीज़ ला कर अपना करना पड़ गया, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें हमको हुई। बारिश के समय में पिलर उलर खड़ा करने में पानी लग जाने की वजह से उस तरह भी दिक्कतें काफ़ी आई, लेकिन सब कुछ देखते हुए इसको हम लोग अपने तरफ से जितना ज़्यादा मेहनत कर सके लोगों को बढ़ाया काम, अपना लेबर जो होते हैं 4 की जगह 8 लगाया इसको कंप्लीट करने के लिए किस टाइम पे हमारा हो जाए। ये फाइबर मटेरियल होता है जैसे 4-5 चीज़ मिलाकर तब ये कंप्लीट की एक मूर्ति तैयार करने काम आती है, जैसे रेजिन हुआ, जलकोट हुआ, मैट हुआ, एक्सलेटर, कैटलिस्ट, ये मेटल का भी इस्तेमाल हुआ है, लोहे का भी नहीं इसमें, हाँ आयरन का हुआ है। इसमें एंगल जैसे लगाते हैं जैसे अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी हड्डी का काम करता है, ये एंगल वो उस तौर पे लगाया जाता है कि ताकि वो उसके ऊपर कहीं भी लगे क्या बोलते हैं उसको पिलर वुलर पर जहाँ फिटिंग होनी है तो उस पर लगे तो एंगल जो होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो ये जो फाइबर का वजन होता है एंगल के ऊपर हो जाता है तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है फाइबर की, इसके लिए उसको लगाया जाता है। और मेटल को मिक्स कर तैयार की गई इस मूर्ति का वजन करीब 1200 किलो है। इसमें लोहे के एंगल व सरियों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसे अब बड़ी क्रेन के जरिए ट्रेलर पर लाद कर मंदिर की छत तक पहुंचाया जाएगा। मूर्ति को हनुमान जयंती पर ही स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी हो गई है। मंदिर में स्थापित होने से पहले ही हवा में उड़ते विशालकाय हनुमान जी की इस प्रतिमा के दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या बजरंग बली के भक्त झूसी इलाके में आते हैं। इस खूबसूरत भव्य व आकर्षक मूर्ति को लोग देर तक एकटक निहारते रहते हैं। बजरंग बली के भक्तों को अब मूर्ति की स्थापना का बेसब्री से इंतजार है। संगम नगरी प्रयागराज में पवन पुत्र हनुमान कई स्वरूपों में विराजमान है। कहीं वह बाल रूप में है तो कहीं ब्राह्मण रूप में, कहीं वह पंचमुखी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं तो कहीं उन्हें छुहारा चढ़ाए जाने की परंपरा है। श्रृंगवेरपुर में वह खड़े होकर अपना सीना चीर कर प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन कराते हैं। संगम किनारे के मंदिर में वह आराम की मुद्रा में लेटी हुई अवस्था में पूजे जाते हैं। प्रयागराज के लोग अब उड़ते हुए हनुमान जी के भी दर्शन कर सकेंगे। इस स्वरूप में देश में चुनिंदा जगहों पर ही बजरंग बली की मूर्तियां लगी हैं।
सुभाष कुमार देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों खास किस्म की मूर्तियां तैयार की हैं। लेकिन उनका कहना है कि हवा में उड़ते बजरंग बली की मूर्ति तैयार कर उन्हें जो सुकून मिला है वह इससे पहले कभी नहीं मिला था। यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, उड़ते हुए हनुमान जी। और सुभाष जी हमारे प्रयागराज में पहले ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो कि इतना बड़ा मूर्ति का निर्माण किए हुए हैं। और हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोगों ने खास तौर पे यहाँ पे आके देखा है मूर्ति के बारे में, और हर चीज़ के बारे में पूजा पाठ होती है, थोड़ा बहुत कर लिया जाता है। चूँकि अभी मूर्ति स्थापित नहीं है, ये मूर्ति आने वाले समय में जहाँ भी स्थापित होगी वहाँ के लिए, सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग के घर के सामने है ये बनाया है जो भैया, तो बहुत अच्छी है मूर्ति है। आते हैं सब लोग, पैर और छूते हैं, जो आता है तो यहाँ रुकता जरूर एक बार है, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब से तो यहाँ से एकदम स्थापित नहीं होंगी कहीं पर, तब से तो सभी लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे बहुत आते हैं, अपना सेल्फी पॉइंट की तरह से बन चुका है। और पूजा भी घर से निकलते हैं तो गेट खोलते हैं तो हम लोग तो सबसे पहले इन्हीं को पैर छूते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन समेत जमकर हुई बारिश व जल भराव के बावजूद बजरंग बली की कृपा से ही यह मुमकिन हो सका है। उनके मुताबिक स्थापना के बाद जब नए सिरे से इसका रंग रोगन किया जाएगा तो इसकी भव्यता और भी बढ़ जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में हनुमान जी तमाम रूपों में विराजमान हैं। कहीं वो लेटे हुए नजर आते हैं तो कहीं बाल रूप में नजर आते हैं, कहीं वो सीना फाड़कर प्रभु राम और सीता जी के दर्शन कराते हैं। आपको बता दें प्रयागराज में हनुमान जी की तकरीबन 35 फुट ऊंची एक मूर्ति तैयार करी जा रही है और इसका वजन तकरीबन 1200 किलो है। आपको बताते चलें ये देश में सबसे बड़ी मूर्ति होगी, देश का कहा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति ये होगी और इसको मंदिर में लगाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल की वजह से कुछ काम वहां पर रुक गया था, रंग रोगन का काम अभी रुका हुआ है, कोरोना अब दोबारा से काम शुरू करा जा रहा है उस मूर्ति को तैयार करने का। हालांकि मूर्ति पूरी तरह तैयार है लेकिन रंग रोगन का काम जो है वो अभी चल रहा है। रंग रोगन का काम होने के बाद मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा जहाँ पर लोग उनके दर्शन कर पाएंगे और अपनी मनोकामना के लिए दुआ करेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ निखिल शुक्ला, माई भारत।